दोस्तों, ऊद एक ऐसा एलिमेंट है जो बड़ा ही यूनिक है, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स स्मेल है और मास अपीलिंग नहीं है एक्चुअली, हर किसी को समझ में नहीं आता है। बट अगर एक बार आपको ऊद समझ में आ गया, ऊद बेस्ड परफ्यूम समझ में आ गई, तो समझ लो यू आर समथिंग इन टू अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फ्रेगनेंसेस। ऑन दैट नोट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज रोहित हियर एंड यू आर वॉचिंग स्निफ एंड स्मेल, एंड द फ्रेगनेंस ऑफ द डे इज 24 गोल्ड बाई सेंट स्टोरी। तो गाइस, शुरुआत करते हैं इसके प्रेजेंटेशन पार्ट से। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा इसका बॉक्स, बड़ा ही यूनिक बॉक्स है, बड़ा ही आई कैचिंग है, कैची है, ब्लैक वेलवेट फिनिश है और आप देख सकते हो किस तरीके से 24 कोड लिखा हुआ है इस पर। ओके, नीचे इसकी बार कोड है। एक बड़ा ही यूनिक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इस जगह पर फॉक्स लिखा हुआ है। अब मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी क्या है। एक्चुअली 24 कोल्ड ये जो परफ्यूम है, 24 एक सीरीज आती थी AXN पे, बड़ा ही पॉपुलर शो था, उस प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा ही इस फ्रेगनेंस को लॉन्च किया गया था। तो 24 उस सीरीज से लिया गया है, फॉक्स स्टूडियो एंटरटेनमेंट्स की वो सीरीज आती थी AXN पे, और गोल्ड इसलिए लिखा गया क्योंकि ये ऊद बेस्ड परफ्यूम है और ऊद इज इक्विवेलेंट टू द प्राइस ऑफ गोल्ड, सो टुगेदर द नेम कम्स 24 गोल्ड। तो फॉक्स सिंपल है लेकिन काफ़ी आई कैचिंग है, जो प्रिंट आप देख रहे हो थोड़ा सा एम्बोस्ट किया हुआ है ऊपर से, और द 12 वर्जन 100 ml बॉक्स ही है। ओके, जंपिंग ऑन टू द बॉटल, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बॉटल मैं क्या कहूँ, जस्ट लाजवाब है। ये देखिए, तो बिल्कुल गोल्डन कलर की बॉटल है, बड़ी यूनिक डिज़ाइन है, आई कह सकते हैं कि एक गोल्ड बार की तरह ये दिखता है और एकदम रिफ्लेक्टिव है। आप देखो सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है इस पर, 24 लिखा हुआ आता है और द 12 वर्जन है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हो, फॉक्स लिखा हुआ है इस जगह पे। तो 100 ml फॉक्स और नीचे इनकी एनकोडिंग बैचिंग जो भी आती है स्टिकर्स। ओके, बॉटल देखने में बिल्कुल गोल्ड बार की तरह लगता है और 100 ml बॉटल है और कैप इज रियली गुड। बट एक प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है इस बॉटल में, कैप बहुत ही हैवी नहीं है, एक लाइट वेटेड कैप है और ये पुश बटन कैप नहीं है, इजीली पुल आउट हो सकता है। तो आप कभी भी ये कोशिश ना करो कि कैप को पकड़ के बॉटल लिफ्ट करो, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो वह ड्रॉबैक मुझे दिखता है जनरली, और एल्स सब कुछ ठीक है। बॉटल पे जो कलर है, गोल्ड प्लेटिंग जो गोल्ड कलर है वो बहुत शानदार नहीं है, आप देख सकते हो हल्का सा ये आउट हो चुका है। एक्चुअली बॉटल ब्लैक है अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लगता है इस पर कोटिंग की गई है। तो एक बेसिक बॉटल है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्प्रेयर से। स्प्रेयर कैसा है वो बहुत मैटर रहता है, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूँ कि एक अच्छा स्प्रेयर ही एक फ्रेगनेंस की बहुत ही USP होती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्प्रे करते हैं और देखते हैं कैसा स्मेल करता है ये स्प्रेयर। इट्स गुड, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड, बट इट्स एन एवरेज। फाउंटेन स्प्रेज जैसे होते हैं ना, जैसे डिओज में, अगर उस तरीके के हों तो ज़्यादा बेटर होता है, बट ये इट्स ओके, काम चल जाएगा एटलीस्ट। ऊद परफ्यूम है, ऊद बेस परफ्यूम है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है, सबसे पहले आपको ऊद की फ्रेग्रेंस, ऊद की खुशबू अगर आपको पता होगी तो एग्जैक्टली ऊद की तरह ही महकता है, ठीक है, एकदम ऊद, बट स्वीट है, काफी स्वीट, हनी एक अकॉर्ड मुझे फील होता है इसमें। ओके, हनी और नोट्स के बारे में फ्रेग्रेंटिका में आप पढ़ सकते हो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, बट जो मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ, स्वीट हनी ऊद है और एक हल्का सा रोज़ की जो खुशबू होती है ना, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत ही माइल्ड रोज़ के साथ ये कॉम्बाइन होके ये महक रहा है। तो गाइस, जैसे मैंने बताया, ये ऊद भले ही है लेकिन इसके साथ जो इसकी मिठास है वो इसे बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करती है, और अगर ऊद के साथ कोई एलिमेंट ऐड ना हो तो बहुत ही पंजेंट हो जाता है, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है, कई बार आपको बहुत एक हेडेक सा दे देता है ऊद, इतनी ज़्यादा पोटेंट होती है। 24 गोल्ड की सबसे खास बात जो मुझे लगती है, ऊद की जो बैलेंसिंग है मिठास के साथ वो माइंड ब्लोइंग है। कोई भी बंदा जिसने कभी ऊद बेस्ड परफ्यूम ट्राई ना भी किया हो, अगर एंट्री लेवल ऊद वो यूज़ करना चाहता है और अगर उसे हार्ड या स्ट्रॉन्ग परफ्यूम पसंद नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट फ्रेगनेंस है, क्योंकि खुशबू बहुत ही माइल्ड है, मास अपीलिंग नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना।
ऊद की कॉम्बिनेशन रोज के साथ बहुत ही सटल है, मिठास है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो लॉन्जिटिविटी है, वो बहुत ही बढ़िया है। एटलीस्ट 8 से 10 घंटे इजीली परफॉर्म करती है कपड़े पे, अगर आप इंडोर में हो, आउटडोर जा रहे हो तो भी 1-1.5 घंटे कम ज़्यादा वो परफॉर्म करेगी। एक चीज़ जो मुझे इस बॉटल के बारे में पसंद नहीं आई थी, जो मैंने बताया था, वो कैप, क्योंकि कैप थोड़ी लूज है, बट डजेंट मैटर दैट मच। देखिए, ऊद की फ्रेग्रेंसेस जो अवेलेबल है मार्केट में, वो हर कैटेगरी में है। अब मैं आपको कैटेगरी बताता हूँ कैसा। एक एकदम सस्ता ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल मान लो लताफा, बहुत ही अरब एक दुबई बेस्ड कंपनी है जो बहुत ही बजट परफ्यूम बनाते हैं, उनमें भी ऊद परफ्यूम आते हैं, जैसे कि लताफा इंटेंस वुड। ख़राब नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, एंट्री लेवल बजट के अकॉर्डिंगली बहुत ही परफेक्ट है। बट लताफा जैसे ब्रांड भी बना रहे हैं ऊद बेस्ड परफ्यूम जो कि 1.5 से 2 हज़ार में आते हैं, मंसेरा सेंसटोर जैसे फ्रेगनेंस भी बनाते हैं जो 4 से 5 हज़ार के रेंज में आते हैं, और रोजा एम्बॉज जैसे कंपनी भी ऊद बेस्ड परफ्यूम बनाते हैं जो 40,000-50,000-1,00,000 रुपये के आते हैं। डिफरेंस क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, चंदन, अगर आप प्योर चंदन की लकड़ी यूज़ करोगे तो आपको इतने पैसे भी देने पड़ते हैं, बट अगर आप लकड़ी के चंदन के पेड़ के बाहर की छाल यूज़ करोगे तो थोड़ी सस्ती आएगी, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे उतना महंगा होता जाएगा। सेम इज़ ऊद, ऊद अगर आप प्योर एक्सट्रैक्ट यूज़ करोगे तो बहुत महंगा आता है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ में से अगर 3 ml या 5 ml ऑयल निकला ऊद का तो वो बहुत महंगा होता है, अप्रॉक्सीमेट गोल्ड की कीमत से भी ज़्यादा महंगा ऊद है दुनिया में, अगर केजीज की बात करें। अगर गोल्ड की रेट आज चल रही होगी 45 लाख रुपीज केजी, फॉर एग्जांपल ऊद चलते हैं 50 से 55 लाख रुपए केजी तक, तो इसकी बात कर ही नहीं सकते। बट कमिंग ऑन टू दी पॉइंट, ये पर्टिकुलर ऊद बेस्ड फ्रेगनेंस बहुत ही शानदार है, क्योंकि मिठास के साथ इसकी कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आई। एक चीज़ है कि ये मास अपीलिंग नहीं है, मास अपीलिंग मतलब ये ऐसा परफ्यूम नहीं है कि आपने जस्ट इसे वेयर किया और कहीं भी चले गए तो लोगों ने वाह वाह तारीफ करना शुरू कर दी, ऐसा होने वाला नहीं है, इस गलत फहमी मत रहना। ये फ्रेगनेंस बहुत ही डार्क, बड़ा ही इंटेंस, बड़ा ही मिस्टीरियस परफ्यूम है। पहली बार अगर आप इसे लगाओगे तो आपको ये शायद समझ में भी ना आए कि यार ये कैसा है स्मेल, ये डिफरेंट है, क्योंकि ये मास अपीलिंग नहीं है। मास अपीलिंग परफ्यूम्स क्या होते हैं, जैसे कि वर्साचे, अरमानी के फ्रेगनेंसेज हो गए, डॉल्चिन गबाना हो गए, इनकी जो समर फ्रेश फ्रेगनेंसेज आता है, एरोस हो गया, वर्साचे मैनो फ्रेश हो गया, डिलन ब्लू हो गया, ओके, शैनल अलियो होम स्पोर्ट हो गया, डियोर सवाश हो गए, ये सब मास अपीलिंग परफ्यूम्स होते हैं, किसी से भी पूछ लो उन्हें पसंद आएगा ही आएगा। बट ऊद बेस्ड परफ्यूम ऐसा नहीं होता, ऊद आपको समझना पड़ता है, आपके नोज को ट्रेंड होना पड़ता है, आपको मैच्योर होना पड़ता है इस फ्रेगनेंस को समझने के लिए। और एक बार जो मैंने आपको बताया इनिशियली ऊद बेस्ड परफ्यूम समझ में आ गया तो आपको वो सब मास अपीलिंग परफ्यूम बड़े ही बच्चे लगेंगे, मतलब छोटे लगेंगे। दिस इज लाइक अ ग्रैंड फादर एंड दोज आर लाइक द ग्रैंड सन्स। तो ऊद उस तरीके से एक बहुत ही डार्क इंग्रेडिएंट है। खुशबू में इतना मज़ा है ना कि ये चेंज होता है धीरे 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 धीरे, बहुत ही धीरे धीरे चेंज होता है। जो जनरल समर फ्रेगनेंस होते हैं क्या होता है ना, इनिशियली सिट्रस लेमन ऑरेंज रहेगा, 15-20 मिनट में आपको हल्की सी जैस्मिन या फ्लावरी नोट आ सकती है, अकॉर्ड उसके मेन बेस अकॉर्ड में वनीला हो सकता है या सेडरवुड हो सकता है। बट ऊद एक ऐसा एलिमेंट होता है कि ऊद की ओपनिंग भी ऊद ही महकती है, इसका बेस भी मेजरली ऊद जैसा हैवी पोटेंसी रहता है, तो इस वजह से इसके परफॉर्मेंस हमेशा कंपेयर टू अदर फ्रेगनेंसेस बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर बात करते हैं इसकी लॉन्जिटिविटी, तो 10-12 घंटे मैंने बता ही दिया आपको। अगर इसकी प्रोजेक्शन की बात करें इंडोर में, तो कम से कम 1 से 2 घंटे तो ईजीली रह सकती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स वो डिपेंड करता है मैन टू मैन पे, किसे पसंद आता और किसे नहीं। एक चीज़ और अगर मैं इसे कंपेयर करके समझाना चाहूँ और थोड़े से इजी वे में, अगर आप डेरी मिल्क चॉकलेट ले लो, किसी बच्चे को दे दो उसे भी पसंद आएगा, किसी बूढ़े को दे दो उसे भी पसंद आएगा, लेकिन अगर आप डार्क कोको चॉकलेट जो कंपाउंड फॉर्म में आता है, अगर आप वो किसी को दे दो, या कोको पाउडर, तो वो हर किसी को समझ में नहीं आया कि वो थोड़ा कड़वा होता है। बट वो अगर समझ में आ जाए तो आप नॉर्मल चॉकलेट्स को इतना प्रेफर नहीं करोगे, क्योंकि आप कस्टमाइज खुद से बना सकते हो उस बेस के हिसाब से। वैसे ही नॉर्मल फ्रेगनेंस और ऊद परफ्यूम के डिफरेंस होते हैं। सो आई थिंक वर्थ ऑफ बाइंग ये बॉटल। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मस्ट बाई, लेकिन एटलीस्ट अगर आप ट्राई करते हो, अगर आप ब्लाइंड बाई भी करते हो, तो यू विल नॉट रिग्रेट फॉर दिस फ्रेगनेंस, ओके। हाँ, औरतों को, वुमेंस को शायद ये इतना पसंद ना आए, क्योंकि थोड़ी हैवी है, थोड़ी रेजिनियस है, डार्क कॉम्प्लेक्स परफ्यूम है,
तो ये मेंस के लिए आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि थोड़ा सा मैच्योर है, आप ऑफिस जाते रहते हैं, ऑफिस वेयरिंग में भी आप वीगन्स पे वेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एनिमेलिक या हैवी पंजेंट नहीं है, बट वुमेंस के इतना समझ में नहीं आएगा। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँ इस परफ्यूम के बारे में, इस परफ्यूम को मैं काफ़ी दिनों से हंट कर रहा था, बट जनरली फिलहाल आपको पता है पैंडेमिक सिचुएशन है, दुबई मार्केट क्लोज है, अवेलेबिलिटी इसकी नहीं फिलहाल, तो बड़े मुश्किल से मुझे ये बॉटल मिला एंड आई ग्रैब्ड इट। ओके, तो अगर आप इसका डिकन ट्रैक करना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे ले सकते हो, आपको कहीं से मिलता हो आप एटलीस्ट इसका डिकन ट्राई करो। प्राइसिंग पॉइंट की बात करें तो 100 ml कॉस्ट समवेयर अराउंड 4000 के रेंज में, ठीक है, डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हो, अगर आपको कोई डील मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो ठीक है 4000 रुपये देने में कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि कैसा प्रेगनेंसी। और अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी प्रेगनेंसी मैं इसे कंपेयर करूँ कि अगर मैं इसे अपग्रेड अपस्केल कर रहा हूँ और अदर प्रेगनेंसी को थोड़ा सा डाउनवर्ड्स लेके जाता हूँ, तो मैं इसे पर्टिकुलर कंपेयर करना चाहूँगा मेरे बहुत ही क्लोज टू हार्ट प्रेगनेंसी जो मैं इजीली कहीं भी वेयर कर लेता हूँ, वो है ये वर्सा केरोस। हालांकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इसे कहते हैं मास एक्ने, ईजी टू वेयर, किसी भी ड्रेस पर वेयर कर लो, कहीं भी चले जाओ और तो 4-5 स्प्रे भी ले लो तो मतलब मज़ा ही आ जाना और लोग कॉम्प्लीमेंट देते ही देते इस फ्रेगनेंस को, इसके कंपेरिजन में ये फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो अगर ये यहाँ स्टैंड करता तो ये यहाँ स्टैंड करता, दो अलग अलग जॉनर्स के, मैं इनको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बट मैं आपको समझाने के लिए समझाना चाहता हूँ कि क्यों वो इतना डिफरेंट और क्यों ये फ्रेश परफ्यूम्स इतना डिफरेंट है। तो ये मास अपीलिंग होती है जो जनरल क्राउड को प्लीज करता है, ये एक पर्टिकुलर जॉनर एक पर्टिकुलर क्राउड को ही अट्रैक्ट करेगा और ज़रूरी नहीं कि हर किसी को समझ में आए। गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं अपने सारे व्यूअर्स को समझाना और बताना चाहता हूँ, जनरली क्या होता है कि जब भी हम परफ्यूम लगाते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, बहुत हार्ड है, मैं कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ, हार्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है और माइल्ड क्या होता है। हार्ड जो वर्ड है कि आपने जस्ट प्रेगनेंस एक आपने जस्ट परफ्यूम को बोला, स्प्रे लिया, आपने खुशबू लगाने बोला और ये तो बड़ा ही हार्ड है, हार्ड नहीं वो सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक मतलब जो कंपाउंड या जो एलिमेंट यूज़ की जाते हैं, जो बहुत ही सस्ते ग्रेड की फ्रेगनेंस होते हैं 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के जो फ्रेगनेंस होते हैं, उसमें एक सिंथेटिक एलिमेंट ऐड किया जाता है उसको एकदम से बूस्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली वो सिंथेटिक जो होता है वो आपको लगता है एकदम से स्ट्रॉन्ग, जिससे आपको सर दर्द होता है, कभी कभी किसी को माइग्रेन की तकलीफ है तो वो उससे बियर नहीं कर पाता है, तो वो सिंथेटिक होता है जिसे हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ये फ्रेगनेंस थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं बट सिंथेटिक नहीं होते, याद रखो सिंथेटिक अलग है, स्ट्रॉन्ग अलग, ये स्ट्रॉन्ग है, पोटेंट है और कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट है, बट ये आपके सर पे दर्द क्रिएट नहीं करे। तो अगर आप सस्ता ऊद लगाओगे, लोकल ऊद लगाओगे तो दैट विल बी हेडेक फॉर यू, बट अगर आप ये ऊद या किसी अदर ब्रांड का ऊद फ्रेगनेंस ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लोकल फ्रेगनेंस एंड अ ब्रांडेड फ्रेगनेंस। मैं हमेशा अपने व्यूअर्स से कहता हूँ एक बार एटलीस्ट एक बार आपको एक अच्छा फ्रेगनेंस का डिकेंट लो। ओके, आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों का बजट नहीं होता, बट एक बार ट्राई करो, एक बार आपको समझ में आएगा कि वो सस्ता परफ्यूम और ये फ्रेगनेंसेस में फ़र्क क्या होता है, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ आप भले ही एक बॉटल लोगे बट आप एक अच्छा ब्रांडेड फ्रेगनेंस लेना चाहोगे, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस, लॉन्जिविटी, उसकी जो सूदिंगनेस होती है, उसके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो बहुत फार बेटर होते हैं सिंपल लोकल परफ्यूम्स। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, अगर आप अपनी कीमती वक्त निकाल के मेरे वीडियो देख रहे हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कोई अगर ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्रेगनेंस बहुत प्यार है, वो समझना चाहते हैं तो वो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं और ज़्यादा प्रभावित होता हूँ और नए नए वीडियोज़ बनाता रहूँगा, पहले भी बहुत बनाए, आगे भी बहुत बनाता रहूँगा। तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे इंसिस्ट कीजिए, अगर आपको कुछ कमियाँ लगती हैं, आपको कुछ पसंद आता है, ना पसंद आता हो तो मुझे कमेंट कीजिए, किसी पर्टिकुलर फ्रेगनेंस के बारे में आपको कुछ जानना है, परफ्यूम से रिलेटेड कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। इस तरीके से सिलसिला जुड़ा रहे ताकि हम लोग और आगे अच्छे अच्छे प्रेगनेंस के साथ आगे बढ़ते रहें।